हेलो माय डायमंड आर्मी, वेलकम टू अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं मिस्टर एवरीथिंग एक्सपेरिमेंट। दोस्तों, आज की वीडियो में मेरे पास यहाँ पे मौजूद है एक अदद कनखजूरा। भाई, ये अक्सर ही हमारे घरों में गीली जगहों पे आ जाते हैं और इससे हर बंदा ही तंग होता है। तो दोस्तों, क्या ये अच्छा हो कि घरेलू एशिया की मदद से हम एक ऐसा स्प्रे बनाएं जिससे इससे जान छुड़ाई जा सकती हो। तो भाई, ऐसी ही वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। अगर आप चैनल पे नए तो प्लीज यार सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप पुराने तो भाई दिल से थैंक यू। चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और इस एक्सपेरिमेंट को हम करके देख लेते हैं। प्लीज सब्सक्राइब मिस्टर एवरीथिंग एक्सपेरिमेंट्स। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं एक अदद बाउल ले रहा हूँ। दोस्तों, अब बारी आएगी पहले इंग्रेडिएंट की। यहाँ पर मेरे पास मौजूद है पानी। तो दोस्तों, इस एक गिलास पानी को इस बाउल के अंदर डाल देना है। तो गाइस, अब बारी आती है दूसरे इंग्रेडिएंट की, यानी कि वाइट विनेगर। तो दोस्तों, इस सिरके के भी 2 अदद चम्मच इस पानी के अंदर शामिल कर देने। तो गाइस, अब बारी आती है काफूर की गोलियों की। आपने एक अदद इमाम दस्ता ले लेना है। अब दोस्तों, 2 अदद गोलियां इस इमाम दस्ते के अंदर डाल के अच्छे से आपने पीस लेना है, यानी कि इसको इतना पीसना है कि ये बिल्कुल ही बारीक पाउडर बन जाए। अब बारी आती है दोस्तों इस रेमेडी के अंदर इस काफूर को मिला देने की। दोस्तों, इसको भी इसके अंदर हम डाल देंगे। अब दोस्तों, लेमन मिक्स की बारी आती है। यहाँ पे लेमन मिक्स मेरे पास लिक्विड है, इसके भी 2 अदद चम्मच इस रेमेडी के अंदर हम शामिल कर देंगे। दोस्तों, अब इसको अच्छे से मिलाना है और मिक्स करने के बाद इसको हम ट्रांसफर करेंगे एक गिलास के अंदर। तो दोस्तों, गिलास में डालने के बाद अब बारी आती है गिलास से इसको बोतल के अंदर ट्रांसफ़र करने की। दोस्तों, ये स्प्रे की बोतल है और अब ये इस्तेमाल के लिए बिल्कुल ही तैयार है। दोस्तों, इसका नोज़ल लगाने के बाद आप गीली जगहों पे, ऐसी सतहों पे इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पे इसके आने का खदशा हो।